हेलो एवरीवन। पेट में गैस बनना बहुत ही कॉमन हो गया है, और जब से कोरोना हुआ है तब से लोगों का वेट भी बढ़ गया है, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो अपने सिम्टम के आधार पर आप चूज़ कर सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सबसे पहली दवा का नाम है कार्बोवेज। बहुत ही पॉपुलर दवा है जो आप ले सकते हैं। कार्बोवेज दवा ऐसे कंडीशन में काम आती है जिसमें आपका जो गैस का फॉर्मेशन है ये मोस्टली ऊपर की तरफ रहता है, मतलब गैस ऊपर की तरफ आती है, डकार बहुत ज़्यादा बनती है। खाने के आधे घंटे बाद से आपको डकार बननी शुरू हो जाती है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है कि दूसरों के सामने आपको डकार आ जाती है, एकदम से बिना किसी वार्निंग के डकार एकदम से आ जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाला होता है। तो जो कार्बो वेजिटेबल्स दवा है ये दिया जाता है स्पेशली उन लोगों के केसेस में जो अबव 60-50 एज में हैं, जिनका थोड़ा सा ओल्ड एज में जाने वाले हैं, उनको अगर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तब कार्बोवेज बहुत अच्छा काम आती है। स्पेशली जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो चुका है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ लग्जेटिव, बहुत समय तक लिया है उन्होंने, चूर्ण वगैरह बहुत समय तक खाया है और अब उनको पेट में हमेशा गैस बन जाती है। थोड़ा सा हल्का सा भी खाना खाने के बाद उनको लगता है कि पूरा पेट गैस से भर गया है, अ सिंगल फूड पार्टिकल इज कन्वर्टेड इंटू गैस, ऐसा लगता है। तो उस कंडीशन में कार्बोविज दिया जा सकता है। ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपको गैस नीचे से पास नहीं होती है, सिर्फ ऊपर की तरफ से डकारें आती रहती हैं, पेट हमेशा टाइट रहता है, तब आप इस दवा को ले सकते हैं। तो कार्बोवेज को आपको 30 पावर में लेना है। आप 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार लीजिए। हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी गैस की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दिया जाता है ऐसे लोगों के अंदर जिनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है और उनको कुछ न कुछ ऐसा स्टोन जैसा हिस्ट्री हो सकता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है, या पहले कभी उनको किडनी में स्टोन्स की समस्या हो सकती है। ऐसी जो सेकंड कंडीशन इसमें जुड़ी हुई होती है, जो गैस की प्रॉब्लम होती है हमेशा लोअर साइड में रहती है, गैस पास होती रहती है, कॉन्स्टेंट जो गैस है वो पेशेंट को पास होती रहती है, और ऐसे लोगों के अंदर बॉडी बहुत रोबस्ट रहती है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक रहता है। कार्बोवेज में हमने देखा कि हमारी बॉडी भी वीक है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है क्योंकि बहुत लंबे समय तक चूर्ण वगैरह लिया है। लाइकोपोडियम में बॉडी बहुत स्ट्रांग है, पेशेंट बहुत रोबस्ट है, मिड एज में है, एकदम हेल्दी है, हो सकता है कि वो रोज एक्सरसाइज डाइट वगैरह सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको गैस बनती है, गैस नीचे से पास होती रहती है, लगातार ये समस्या बनी रहती है। तो इस कंडीशन में हम लाइकोपोडियम देते हैं। लाइकोपोडियम के अंदर दूसरी सेकेंडरी कंडीशन हो सकती है, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब में जलन या पूरे शरीर में एकदम खट्टी स्मेल, ऐसा भी इसमें देखा जाता है। यूरिक एसिड जो डायथिसिस होती है या तो फिर गाउट वगैरह रहता है साथ में, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो ये एकदम परफेक्ट मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। अदर मेडिसिन है चाइना। अब हमने पहले और दूसरी मेडिसिन में देखा कि अपर में गैस बन रही है, लाइकोपोडियम हमने देखा नीचे गैस बन रही है। जो चाइना है, अगर पूरी गैस जो है एकदम पेट में भर जाती है, ऐसा लगता है कि एकदम पूरा ड्रम जैसा पेट बन गया है, वहाँ पर चाइना दिया जा सकता है। चाइना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है कि पेशेंट के अंदर पीछे कुछ समय पहले टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, इस टाइप का कोई हिस्ट्री पाया जाता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कुछ न कुछ ऐसी बीमारी पाई जाती है, पेशेंट बताता है कि 2 साल पहले मुझे टाइफाइड हुआ था, उसके बाद से मेरा पेट कभी ठीक नहीं रहता, या 1 साल पहले मुझे जॉन्डिस हुआ था, उसके बाद से मेरा पेट गड़बड़ ही रहता है, ऐसे कुछ न कुछ आपको उसमें पेशेंट बताता है, या डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या बहुत लंबे समय से उसको हीमोराइड्स की प्रॉब्लम रहती है, यानी पाइल्स की शिकायत बहुत लंबे समय तक रहती है और पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एकदम जैसे मैंने बताया कि ड्रम जैसा फील होता है, वहाँ पर चाइना काम आती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रोबीनिया। रोबीनिया एक दवा है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इंस्टेंट रिलीफ देने में, गैस और अफारा में तुरंत आराम देने वाली ये सबसे अच्छी दवा है। इसको पानी में मिलाकर के लेना होता है मदर टिंचर फॉर्म में। ये हर तरह के गैस्ट्रिक इश्यूज में काम आती है, इवन मेल्स, फीमेल्स, एनी एज में, किसी भी कारण से अगर आपको गैस बन रही है वहाँ पर भी रोबीनिया सुडोकेशिया काम आती है। तो ये दवा चौथी दवा है जो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, वो है वलेरियाना। वलेरियाना गैस्ट्रिक पीपल के लिए, गैस्ट्रिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें पेशेंट बताता है कि उसको जब गैस बनती है तो उसको ऐसा लगता है कि गैस ऊपर की तरफ चढ़ रही है और उसके कारण उसके सांस ही रुक रही है। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन पेशेंट एक्सप्रेस ही करता है कि जो गैस्ट्रिक फॉर्मेशन है उसको ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे लगता है कि डायफ्राम प्रेस हो रहा है और सही से सांस भी नहीं आ रही है। कई बार तो पेशेंट ऐसा बताते हैं कि जो गैस है उनके सिर पर चढ़ जाती है, या कहीं माथे पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं गैस ट्रबल कर रही होती है, या गैस्ट्रिक हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है।
तो ये सारी कंडीशन में आप वलेरियाना ऑफिसिनेलिस ले सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सारी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, पांच की पांचों दवाइयाँ गैस अफारे में सभी इफेक्टिव हैं और सभी लोगों के लिए सूटेबल ये दवाइयाँ हैं। दिस आर वेरी यूजफुल मेडिसिन इन गैस्ट्रिक ट्रबल्स। और इसके साथ साथ में जो रोबिनिया सुडाकेशिया मेडिसिन है ये एक नेचुरल मेडिसिन है जिसको सभी लोग ले सकते हैं। अदरवाइज जो मेडिसिन दूसरी मैंने बताई है वो अपने सिम्टम्स के अनुसार ही आपको लेना है, मैच करके लेना है। तो गैस अफारा में ये सारी दवाइयाँ 30 CH मिली जा सकती हैं एक्सेप्ट सुडाकेशिया और वलेरियाना, उनको आपको क्यू पावर में लेना है। अगर आप इसकी मदर टिंचर ले रहे हैं तो आधे ग्लास पानी में 10 बूंदें डाल करके ले सकते हैं। अगर आपकी इसके डाइल्यूशन ले रहे हैं तो डायरेक्ट टंग पर 1 चम्मच पानी में आप 4-4 बूंद डाल करके ले सकते हैं। तो ये जो गैस की समस्या है इसके लिए दवाई आप यूज़ करिए और अपने कमेंट्स मुझे लिख करके बताइए कि क्या आपको अपनी गैस की प्रॉब्लम इस दवाई से आराम मिला है। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।